नहीं पकड़ने मुझे। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे नहीं पकड़ने भैया मुझे। अरे सुनो तो पान तो खिलाते जाओ। अरे यार अभी गया, खैर दूसरा आ जाएगा। वैसे पांडे तुमने अब तक कितने चूहे मारे हैं बे? सर टोटल जिंदा चूहे जमा हुए हैं 2,440। 40 का क्या मतलब हुआ? सर एक चूहा अधमरा सा है तो उसको आधा जिंदा में गिना है आधा मुर्दा में गिना है। यही तो, फिर टोटल हो गया 9,758 रुपए। और मरे हुए चूहों का? 4,441। 41, ओहो वही आधा हमारा आधा जिंदा। ये पेटी में रखा है उसको। कितने हुए ये बताओ? टोटल पेमेंट की गई है 4,450। क्या? नहीं नहीं सर, अब 40,450। ये तो बहुत ज्यादा है पटेल। नो सर नो। नहीं नहीं टीना एक काम करो, 4,441 को 4 से मल्टीप्लाई करो जरा। यस सर। सर ये हुआ 17,766। पटेल वही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा है ये, 40,450 रुपए कहाँ से आ गए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। सर एक्चुअली मरे चूहे जमा हो गए हैं 4,441 और फाइल में जमा हुए हैं 10,112। हाँ। और सर पेमेंट तो फाइल में जमा चूहों के हिसाब से होगा ना? किसको भाई? पेटी में जमा चूहों का पब्लिक को। और फाइल में जमा चूहों का हम चारों को? कैसे नहीं सर। आइडिया तो बहुत टेस्टी है लेकिन मजा का ज्यादा नहीं है। सर थोड़ी मिठाई और डाल दें? जी हाँ, चूहों के रेट बढ़ा दो, 8 रुपए पर चूहा कर दो। ओके सर। अच्छा हुआ सर आपने पकड़ा, वरना अकेले खाने वाला था। ऐसे अकेले अकेले कैसे खाएगा? अब तो चारों। नहीं नहीं सासू माँ, आज चूहे जमा करने के लिए मत आना, शायद कल तक चूहों का रेट बढ़ सकता है। हाँ ससुर जी कहाँ गए हैं? अच्छा चूहे जमा करने के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके हाँ मैडम। मुझे चूहे जमा करने हैं। चूहे जमा करने हैं तो टीना से फॉर्म ले लो, भाटिया जी से साइन ले लो और आके पेमेंट लेके जाओ। नहीं फॉर्म तो मैं पिछली बार आया था तो ले लिया था मैंने, ये देखिए। नहीं 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 ये तो पुराना फॉर्म है, ये नहीं चलेगा, नया फॉर्म लेके भाटिया जी से साइन लेके आओ। फिर से नया फॉर्म लेना पड़ेगा? हाँ टीना के पास जाके। हाँ 5 रुपए भी देने पड़ेंगे? हाँ मामा हाँ जाओ ना आप। तो मैं तो जा रहा हूँ, आपका फोन बज रहा है। हेलो हाँ सासू माँ बोलो। लीजिए साहब एकदम फ्रेश फॉर्म लाया हूँ और ये 10 चूहे पकड़ के लाया हूँ। वेरी गुड, कहाँ से पकड़े? ये 6 तो इनमें से मैंने अपनी दुकान से पकड़े हैं। अच्छा किस चीज की दुकान है आपकी? हलवाई की दुकान है। क्या कब क्यों कब? अरे क्या आप हलवाई हैं? जी हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। अरे पहले बता देते तो आपके चूहे पहले ही जमा हो जाते बिना मेरी कमीशन के। अच्छा मतलब हलवाइयों के लिए कोई खास छूट है क्या? हाँ नहीं मैं ये पूछा था कि आपकी दुकान है कहाँ? अरे वो फूल वाली गली है ना, उसके नीचे जो नाला बहता है। अरे तो वो नाले पे आपकी दुकान है? अरे उसकी तो जलेबियां बहुत मशहूर है, मैं तो हर रोज वहां से निकलता हूँ, अब तो जलेबियां खा के ही निकलूंगा। जरूर जरूर, बस उसके बगल में ही मेरे बेटे की दवाई की दुकान है। अच्छा लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? नहीं मैंने तो यूं ही बता दिया, कभी जरूरत पड़ जाए। थैंक यू वेरी मच। अरे आपके चूहे तो यूं जमा हो जाएंगे, ये लीजिए उषा जी से पैसे ले लीजिए। अरे अब आप मेरी दुकान के सामने से निकलिएगा, मैं आपको ऐसी जलेबियां खिलाऊंगा, ऐसी जलेबियां खिलाऊंगा कि आपको मेरे बेटे की दवाई की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सच्ची? जी। तो फिर मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ। क्या? चूहों के दाम बढ़ने वाले हैं। अच्छा। चूहों से ये महामारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है, सरकार ने फैसला किया है कि एक चूहे पे 8 रुपए की जगह 15 रुपए मिलेंगे। ये अंदर की बात है? ये अंदर की बात है। तो आप इसे बाहर क्यों कर रहे हैं? ताकि आप कुछ पैसा कमा सको यार। अच्छा मतलब जो आज चूहा 8 रुपए का है, अगर मैं उसको आज खरीद दूं तो 4 दिन के बाद यहाँ आके जमा कर दूं तो 15 रुपए एक चूहे के मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन उसमें मेरी कमीशन होगी, वो भी एडवांस। अगर आप एडवांस में मुझे खबर दे रहे हैं तो एडवांस में आपको कमीशन भी मिल जाएगी। ये 10,000 रुपए जमा हो गए, 5 मेरे पास, टोटल हो गए 15। 15 पहले वाले, 15 15 30 लेके भाग जाए क्या? फिर वही लुच्चों वाली बात। अबे पब्लिक बहुत मारेगी, कितना लूटेगा पब्लिक को बे? ओ मिस्टर दुआ कुछ हुआ? हाँ क्यों नहीं हुआ, 10 दे के आ रहा हूँ, 80 रुपए लेके आ रहा हूँ। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे 80,000 कमा के ला रहे हो। तो 80,000 भी कमा लेंगे बगैर हमारी हेल्प के? इम्पॉसिबल। बात तो ये ठीक कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इसी को दे देता हूँ चूहे पकड़ने का। आप मेरे लिए चूहे पकड़ेंगे? जरूर पकड़ेंगे, पैसा एडवांस लेंगे। मिलेगा? कितने पकड़ गए? 4 लाख रुपए। क्या? हाँ 4 लाख रुपए मेरी दुकान बिकेगी, कल आके एडवांस ले जाना, परसों आके चूहे ले जाना। ओके डन डन डन। आ जाओ ले अंदर अंदर ले आओ, यहाँ रखो। आ जाओ जरा दम दिखाओ थोड़ा, यहाँ रखो। हाँ ये लो 100 रुपए। अरे छुट्टे की जरूरत नहीं है, जाओ अब मुझे जरूरत नहीं छुट्टे की, आज करो आज जाओ करो। क्या बड़े साहब
क्या टीना जी, उषा बहन जी, भाटिया साहब कहाँ हैं? भाटिया साहब, भाटिया साहब, मुसद्दी लाल, दुआ डीजूए दुआ। हाँ, लेकिन आज तो आप पहचान में नहीं आ रहे। मैं आपके लिए जलेबियाँ लेके आया हूँ। क्या इन बोरों में? नहीं नहीं, जलेबियाँ तो इस डब्बे में हैं, इन बोरों में तो चूहे हैं। क्या क्या, इतने चूहे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बाकी ये सारे तो ट्रक में लेके आया हूँ बाहर। क्या आप चूहों में ट्रक भर के लाए? जी नहीं, ट्रक में चूहे भर के लाया हूँ। पर क्यों? अबे 50,000 चूहे ऐसे उठा के तो नहीं लाए जा सकते ना। 50,000 चूहे? जी हाँ, 50,000 चूहे। भाई ये आइडिया ना भाटिया साहब ने दिया था मुझे। उन्होंने जब मुझे अंदर की बात बता दी तो भाटिया साहब, मैंने भी ना 6.5 लाख रुपए का खेल खेल डाला। बहन जी आप ऐसा करें, आप जरा किसी को बाहर भेजिए और जरा चूहे गिनवा लीजिए। 50,000 चूहे, 15 रुपए के हिसाब से 50,000 के हो जाए 7,50,000 रुपए। तो आप मुझे 7.5 लाख रुपए दे दीजिए। आप भले चाहे तो कैश दे दीजिए, भले चाहे तो आप मुझे चेक दे दीजिए, मुझे एतराज नहीं। क्या 7.5 लाख रुपए नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते? ये क्या मजाक है भाई? नहीं मजाक नहीं कर रही है, सच कह रही हूँ। क्या सच कह रही है? 15 रुपए का एक चूहा है ना? नहीं नहीं, 15 नहीं, 8 था। 8 तो 15 दिन पहले थे ना, 15 दिन में तो बढ़ जाने वाले थे ना। हाँ बढ़ना तो था, लेकिन देखिए देखिए था था मतलब मतलब बड़ा नहीं। हाँ अभी तक 15 हुआ नहीं है। अरे 15 नहीं हुआ? अच्छा चलिए ठीक है, 15 नहीं हुआ तो आप 14 के हिसाब से दे दीजिए। मैं 50,000 रुपए का ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं 14 नहीं मिल सकते। 14 भी नहीं मिल सकते? नहीं। तो भाई 13 दे दीजिए। 12? अरे 11 तो दे दीजिए, मैं 6 लाख रुपए लेके चला जाऊंगा। नहीं नहीं देखिए, 0 का रेट चूहा हो गया है। क्या? अब इनका कहने का मतलब है कि चूहे का रेट 0 हो गया है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कब हुआ कैसे हुआ? अरे भाई आपने कल का अखबार नहीं देखा? देखा है। तो आपने बिजनेस वाला पन्ना नहीं देखा होगा, उसमें आ रहा है ना कि चूहों के दाम गिरते चले गए। हाँ स्टॉक मार्केट के भाव के बिल्कुल पास में तो सपा था। क्यों क्यों गिरे? क्योंकि रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बीमारी चूहों से नहीं कुत्तों से फैली है। इसीलिए कुत्तों के बढ़ गए और चूहों के गिर गए। मैं गिर जाऊंगा, ऐसी बात मत कीजिए। मैंने 6.5 लाख रुपए लगाए अपनी दुकान बेच के। क्या बात कर रहे हैं, दुकान तो 4 लाख की बिकी थी। अरे 4 लाख की तो मेरी दुकान पे की थी, 2.5 लाख की मैंने अपने बेटे की दुकान भी बेच डाली। जब मिठाई कोई नहीं खाएगा तो दवाई लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? 4.5 लाख रुपए के चूहे खरीद के लाया हूँ मैं। है मगर फिर बाकी 2 लाख? बाकी 1 लाख रुपया तो मैंने भाटिया साहब को दिया था अंदर की बात बताने के लिए। क्या भाटिया अकेला अकेले? और 1 लाख रुपया इन लोगों को, ये शुक्ला और पांडे को। अरे वो तो हमारे चूहा पकड़ने की मेहनत किए हैं। सलाह देने के सर। अरे पर अब तो सलाह दो मुझे, मैं इन चूहों का क्या करूं? मैंने कहां कहां से मंगवाए हैं ये? भूटान भेजे तो बहुत मुश्किल से थोड़े से मिले, उसके बाद बांग्लादेश से थोड़े से मिले, बहुत ज्यादा चूहे मिले हैं पाकिस्तान से। अब सारे इकट्ठे करके लाया हूं, अब इनका क्या करूं? अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये चूहे तो चवन्नी के नहीं रहे। अरे तो इन चूहों का करूं क्या? मैं बताऊं, फैक्स कर दो। एक्सपोर्ट? अरे कहाँ एक्सपोर्ट कर दूं? अरे चाइना, कोरिया, जापान। और वहां से कुत्ते इंपोर्ट कर लो। कुत्ते? हाँ, एक कुत्ते पर 20 रुपए है। पर कुछ नहीं, अंदर की बात बताऊं, दाम बढ़ने वाले हैं। किसके? कुत्तों के। कुत्तों के? नहीं। तो उसके लिए आपको ये मॉनिटर खोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना। अच्छा अंदर दिखाई दे गया? अभी देख ही रहा था तो आपने टोक दिया। मैं आपको आपका बैलेंस चेक करके बताती हूँ। पर मैं यहाँ बैलेंस चेक करने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हैं? देखिए मेरा कोई अकाउंट नहीं मैडम, दरअसल मैं बैंक में अपना अकाउंट खोलने आया हूँ। दैट्स सिली, टोटल सिली। नो अकाउंट और बैलेंस पता करने आए? व्हाट आर यू डूइंग हियर? नो दैट्स सिली। आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म भर के लाइए। ओके। दैट्स सिली ना शुक्ला जी, ये कंप्यूटर है, ऐसे नहीं चलाते इसको। तो कैसे चलाते? हम बताएं कैसे चलाते? तुम बताओगे? कंप्यूटर में डिप्लोमा है, वो तो आपकी तकदीर अच्छी है कि आप क्लर्क हैं और मैं। अब पांडे बे शुक्ला। पांडे जी। शुक्ला जी, हम क्या कीजिए समझे? आप कोटे से आए, कोटे में ही रहिए, मुझे मेरा काम मत समझाइए। पांडे साहब ने बुलाया आपको। दैट्स व्हाई आई हेट सिगरेट्स, आई हेट। क्या है पांडे जी? देखिए मिस्टर ना, आज के बाद अगर आपने मेरे नाम के आगे जी लगाया ना, आत्महत्या कर लूंगा मैं। क्या है पांडे? हम जोड़ दें? नहीं हो गया तो कुछ और जुड़वा लो। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। देख लो कहीं कुछ टूटा फूटा हो तो। नहीं कुछ भी। पांडे जी, मिस्टर ना, मैंने नहीं बुलाया, भाटिया साहब बुला रहे हैं आपको। बगैर मेरे नाम के आगे जी लगाए? जी।
तो फिर हमें नहीं बुलाया। ओ पांडे जी, अब बुलाया, बाद में जोड़ता हूँ। कस्टमर होगी टाइम पास? दोनों में से कोई नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? मुसद्दीलाल चड्ढा। ये कौन होते हैं? मुसद्दीलाल चड्ढा तो मुसद्दीलाल चड्ढा ही होते हैं। यहाँ क्या करने आए, डाका डालने हो? शकल से मैं डाकू दिखाई देता हूँ आपको? शकल से तो मैं भी चपरासी नहीं लगता हूँ, लेकिन हूँ। अच्छा, किसने कहा? क्या कि मैं चपरासी दिखता हूँ? नहीं नहीं, यही कि आप चपरासी नहीं दिखते हैं, आप तो खानदानी चपरासी लगते हैं। यहाँ क्या करने आए? ये अकाउंट खोलने आए। कल आइए। कल तो संडे है। मंडे आइए। मंडे को तो बैंक हॉलीडे। ट्यूजडे आइए। अरे ट्यूजडे सुबह तो मुझे चले जाना है, मेरी साली की शादी है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आइए। नेक्स्ट मॉर्निंग आऊंगा तो फिर साली की शादी में कैसे पहुंच पाऊंगा? तो अभी जाके क्या कर लेंगे? अच्छा ये बताएंगे कि फॉर्म कहाँ मिलता है? शुक्ला जी के पास। Excuse me? भाई साहब टाइम हो गया है, बैंक क्लोज होने का, कल आइए। बस अब सर मैंने एक ही बात पूछनी थी। बैलेंस छोड़ के जो मर्जी पूछ लीजिए। बैलेंस तो तब पूछूंगा ना जब अकाउंट होगा मेरा। तो बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अकाउंट कहीं और खुलवाते हैं, बैलेंस यहाँ पता करने का। अरे नहीं नहीं सर, मैं अकाउंट भी यहीं खुलवाऊंगा और बैलेंस भी यहीं पता करने के लिए आऊंगा। गुड, अकाउंट लेकिन कल खुलवा लीजिएगा। अभी देखिए ना, स्टाफ पूरा नहीं आया, अभी पटेल साहब भी नहीं आए। कल आइए आप। कल तो संडे है सर। तो मंडे को आ जाइए। मंडे कौन सा दूर है? मंडे को तो बैंक हॉलीडे। तो मतलब नेक्स्ट डे आइए, हॉलीडे वाले मना के आराम से मॉर्निंग में। नहीं सर, ट्यूजडे मॉर्निंग मुझे जाना है, मेरी साली की शादी है। तो ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाइए। अरे नेक्स्ट मॉर्निंग जाके मैं क्या करूंगा जब शादी हो चुकी होगी? तो वैसे भी शादी पे पहुंच के क्या कर लेंगे आप? साली की शादी में पहुंच के मैं क्या कर लूंगा शादी। भाई साहब ये मेरा पर्सनल मामला है, आप प्लीज मुझे एक फॉर्म दे दीजिए बस। हाँ, एक मिनट। मिस टीना साहब को एक फॉर्म दीजिए जरा। अरे वो एक्चुअली बैंक हो गया है और टाइम बंद होने वाला है। जी मेरा मतलब है टाइम हो गया है और बैंक बंद होने वाला है। देखिए अगर आप मुझे फॉर्म दे रही हैं तो बता दीजिए, नहीं तो मैं किसी दूसरे बैंक जाके अकाउंट खोल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, देती हूँ ना। अच्छा ये फॉर्म भर के आप उषा जी के पास जमा कर दीजिएगा। जी हाँ। पीलू बेटा लिखो, दो एकम दो, दो दूना चार, दो तीन छः, दो चौके आठ मैडम, दो पंचे दस, दो छक्के बारह मैडम। क्या है जी वो मैम? दिखता नहीं मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मुझे वो एक अकाउंट खोलना था। लेकिन मैं अभी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, बाद में आइए। जी बाद में तो बैंक बंद हो जाएगा ना मैडम। लेकिन बाद में मेरे बच्चे का अकाउंट बंद हो जाएगा। हैं जी? अब कल आ जाओ आप। कल तो संडे है। तो परसों? परसों तो बैंक हॉलीडे है, मंडे को। तो ट्यूसडे को आओ ना। नहीं मैडम, ट्यूसडे तक मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग मुझे अपनी साली की शादी में जाना है। यही तो, नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, शादी रुकने वाली है क्या? नहीं अच्छा मैडम देखिए, आप ये चेक मुझे जमा करना है, बहुत जरूरी है, आप जरा फॉर्म देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको दो का टेबल आता है? हाँ आता है। पढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, मुसद्दीलाल अंकल, दो एकम दो, दो दुनी चार, मुसद्दीलाल चड्ढा। चड्ढा चड्ढा नहीं बेटा, दो दुनी चार। हाँ दो तीये नहीं, चड्ढा नहीं, दो तीये छः। ये फोटो आपकी है? हाँ जी मेरी। दो चौके आठ, दो पांच दस। राशन कार्ड कहाँ है? एक सेकंड होल्ड करना बेटा, राशन कार्ड तो नहीं है मेरे पास। क्यों? नहीं, मैं नया नया आया हूँ ना इस शहर में। क्यों भाई? वो वहाँ सहारनपुर में इनकम नहीं हो रही थी तो यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इनकम टैक्स नंबर दे दो। अरे जब इनकम ही नहीं हो रही थी तो इनकम टैक्स नंबर कहाँ से दूंगा मैं आपको? अरे बाप रे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है अभी, राशन कार्ड के बगैर ये सब कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए, भाटिया साहब से मिलिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाँ जी। बड़ी तकलीफ होती है बिना राशन कार्ड के। सो तो हो रही है सर। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राशन की बात कर रहा हूँ। राशन तो आपको ब्लैक में लेना पड़ता होगा ना? बहुत प्रॉब्लम है सर, किसी तरह से कुछ हेल्प कीजिए। नहीं हम जरूर करेंगे, राशन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मेरा मतलब है कि कस्टमर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कल आइए। जी थैंक सर। आप बोल रहे हैं कल संडे है? ओह आई एम सॉरी, एनीवे मंडे, नया दिन नई शुरुआत। सर मंडे बैंक हॉलीडे है और ट्यूजडे तक मैं इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि ट्यूजडे को मुझे हर हालत में छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़? अरे वहाँ तो वेडनेसडे को भी जा सकते हैं, वो लोग मना नहीं करते। नहीं नहीं सर, मैं वेडनेसडे को वहाँ पे गया तो मेरा काम नहीं होगा क्योंकि वेडनेसडे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरी साली की शादी हो चुकी होगी। हैं? आप शादी में जा रहे हैं? हाँ जी। देखिए बुरा ना माने तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। देखिए बड़े दिन हो गए शादी का खाना नहीं खाया, एक काम करते हैं दोनों साथ चलते हैं, दोनों भाई मिलके और वापस आके अकाउंट खुलवा लेंगे, तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं सर, वापस आके अकाउंट खुलवाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि मुझे ये चेक जो है ये जमा करना है। अगर मैंने जाने से पहले ही चेक जमा नहीं किया तो मुझे डर है कि वापस लौटने तक कहीं ये चेक बाउंस ना हो जाए। ओए तो सिर्फ पंजाबी हो ना? हूँ मैं पंजाबी ना, पंजाबी का काम छेती हो जाता है। नहीं नहीं मैं तो इसलिए कह रहे
पंजाबियों की शादियों खाने का इंतजाम बड़ा अच्छा होता है। कमाल है सर, मैं यहाँ पे चेक की बात कर रहा हूँ और आप। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आपने अर्जुन को देखा? अर्जुन, ये अर्जुन कौन है? महाभारत वाला? नहीं, मैंने तो नहीं देखा ना। आपने देखा? नहीं नहीं, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह से मुझे सिर्फ आपकी साली की आंख दिखाई दे रही है। नहीं नहीं नहीं, शादी दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं, बाय रोड चलते हैं, मैं बैंक की कार मंगवा लेता हूँ, दोनों साथ चलेंगे, आपका किराया भी बच जाएगा। लेकिन सर मेरे अकाउंट का क्या होगा? वो तो आने के बाद खुलवाएंगे। पाटिया साहब, महाराज अकाउंट तो। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? ओए पटेल साहब, ये क्या तरीका है? ये कोई टाइम है आने का? सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से आपको पता है कि एक बार हलवे का नाम हमारे कान में पड़ जाए और जब तक मुंह में न जाए कोई काम नहीं होता, मतलब बैंक का कोई काम नहीं होता। कस्टमर्स को कितनी तकलीफ होती है, अरे बैंक की बदनामी होती है। We are here to work, भाई। Sorry, sir. Actually, वो वाइफ ने देर लगा दी क्या? नहीं सर, सुबह सुबह रात वाली ट्रेजेडी हो गई सर। हाँ, ये क्या कफन बांधे घूम रहे, क्या हुआ क्या? सर, दरअसल मैंने सुबह सुबह वाइफ से कहा कि भाटिया साहब ने लौकी का हलवा मंगाया है, बना कर दो, तो वाइफ ने साफ मना कर दिया सर। तो तुमने उसको वार्निंग दी कि बनाओ वरना दो बातें हो जाएंगी? सर मैंने बिल्कुल यही कहा कि बनाओ वरना दो बातें हो जाएगी, या तो बिना हलवे के गया तो भाटिया साहब बिगड़ेंगे या तो नहीं बिगड़ेंगे। नहीं बिगड़ेंगे, इतने शरीफ तो है नहीं भाटिया साहब, और बिगड़े तो दो बातें होगी, या तो मुझे नोटिस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो ठीक, मगर मिल गया तो दो बातें होंगी, या तो मेरी नौकरी जाएगी या तो नहीं जाएगी। नहीं गई तो ठीक, मगर जाएगी तो दो बातें होंगी, या तो मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। बैंक वालों को दूसरी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर नहीं मिले तो दो बातें होंगी, या तो मैं तुम्हारे लिए मेकअप का सामान लाऊंगा या तो नहीं लाऊंगा। लाऊंगा कहां से, और अगर नहीं लाया तो दो बातें होगी, या तो तुम मेकअप करोगी या तो नहीं करोगी। मेकअप कहां से करोगी, और नहीं कराया तो फिर तुम्हें ऐसी हालत में झेलना मुश्किल हो जाएगा। इतना सा काम मैंने, और मेरी वाइफ ने मेरे सर पर फूल मारा सर। फूल? नहीं नहीं नहीं, फूल से इतनी बड़ी चोट तो नहीं आ सकती, फूल के साथ फूलदान भी रहा होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता? मैं तो रोज ऐसे कई फूल छेड़ता हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ हलवा खाता हूँ। फिर क्या हुआ, उसने हलवा बनाया या फिर दो बातें हो गई? नहीं सर, फिर सिर्फ एक बात हुई सर। क्या? मैंने खुद ने हलवा बनाया, मैंने खुद ने, इसलिए देर हो गई सर। ये लीजिए, गरम गरम है सर, चम्मच भी है, चम्मच है सर, चम्मच। वाह वाह पटेल वाह, तुम तो अपनी वाइफ से भी अच्छा बनाते हो भाई। अरे कहाँ सर, मेरी वाइफ तो मुझे पिछले 10 साल से बना रही है, मैं तो आपको सिर्फ 2 साल से बना रहा हूँ। क्या हलवा सर? हलवा हलवा सर, मेरा क्या होगा? आपका तो फिक्स हो गया ना, ट्यूजडे मॉर्निंग 36 बार बाई कार हम दोनों। नहीं नहीं, अकाउंट का। कौन सा अकाउंट? जी मेरे अकाउंट का। क्या नंबर? क्या नंबर तो अभी है नहीं ना, अभी तो अकाउंट खुला ही नहीं है ना। लो अभी तो खुलवाया नहीं यार, तो जल्दी खुलवाओ, हमारे बैंक में तो नई नई स्कीमें निकली हुई है। नहीं सर, मैंने आपको बताया था ना कि ना मेरे पास राशन कार्ड है और ना इनकम टैक्स नंबर है। अच्छा तो मकान नंबर है? या मकान नंबर तो है, उसका कोई प्रूफ है? है पर अभी यहाँ नहीं है। हाँ तो जाकर लेकर आओ, सोसाइटी का लेटर या कुछ मैं बना कर देता हूँ। अच्छा बस इतनी सिंपल सी बात है? हाँ? बना भी लेके आता हूँ। लौट के जरूर आना। सर मैं ये क्या आ रहा? एक्सक्यूज मी, वेरी नाइस है। थैंक यू सर, कैसा बनाया है? अरे अभी कहा ना, अच्छा बनाते हो, चलो ठीक है। थैंक यू सर। एंटी टबैको यूनियन में काम करते हो क्या? नहीं तो? तो फिर मेरी खैनी क्यों गिरा दी? सॉरी। पता नहीं आ जाते हैं कहां से। ये लीजिए भाई, आपका काम तो हो गया। ठीक है, अभी जब राशन कार्ड बन जाएगा तो जेरोक्स यहाँ पर भेज देना जी। हाँ, और यहाँ पर साइन कीजिए जी। अच्छा, एक साइन और कर देना। एक साइन और कहाँ? यहाँ। एक साइन और क्यों? ये स्पेसिमेन सिग्नेचर कहते हैं, तो जब भी बैंक से पैसा निकालना हो तो यही सिग्नेचर चलेगी। ओके। अब वो गारंटी क्या है? कैसी गारंटी? आपकी गारंटी। मेरी गारंटी? हाँ मतलब आपकी गारंटी क्या है? कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब, मैं कोई वॉशिंग मशीन हूँ जिसकी गारंटी होगी? तो भाई साहब आजकल वॉशिंग मशीन की गारंटी ना हुई ना तो चलता है, मगर आदमी की गारंटी जरूरी है। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि बिना गारंटी के कोई अकाउंट नहीं खुलता। जाइए किसी की गारंटी ले आइए आप। कैसी गारंटी? अरे किसी ऐसे आदमी की जो यहाँ पर साइन करे कि वो आपको जानता है। कहाँ से लेके आऊँ गारंटी सर,
मतलब आप इंसानियत के नाते इंसानियत पर भरोसा तो कीजिए। नहीं, इंसानियत पर तो भरोसा है, इंसान पर भरोसा नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं पटेल साहब आप। मतलब अकाउंट मैं खोल रहा हूँ, पैसा उसके अंदर मैं जमा करूंगा, मैं ही उसमें से पैसा ड्रॉ करूंगा, तो किसी और की गारंटी का मतलब क्या निकलता है? देखिए भाई साहब, गारंटी तो लानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं लाए तो दो बातें हो सकती है, या तो तुम फ्रॉड होंगे या तो नहीं होंगे। फ्रॉड नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, फ्रॉड हुए तो दो बातें होंगी, या तो तुम फ्रॉड करोगे या तो नहीं करोगे। नहीं करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और फ्रॉड किया तो दो बातें होंगी, या तो बैंक को पैसा भरना पड़ेगा या तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे। बैंक पैसा भरेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और लोग तुम्हें ढूंढेंगे तो दो बातें होंगी, या तो तुम मिलोगे या तो नहीं मिलोगे। तुम मिलोगे इसकी क्या गारंटी है, और नहीं मिले तो कम से कम तुम्हारे गारंटर को तो पकड़ सकते हैं वो लोग। नहीं नहीं पटेल साहब, मैं कोई फ्रॉड आदमी नहीं हूँ। हाँ मगर ये आपके माथे पर तो नहीं लिखा है ना, देखा नहीं लिखा है, और क्या है ये बैंक के नियम है। और क्यों शुक्ला जी, क्या 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 हुआ पटेल साहब? अरे गारंटी नहीं है और अकाउंट खोलना। गारंटी नहीं है आपके पास? जी कैसी गारंटी नहीं है, तो अब अकाउंट भी खुलेगा इसकी क्या गारंटी सर? नहीं मगर मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं, तो गारंटी कहाँ से लेके आऊंगा? तो जानिए ना, सोचिए, ढूंढिए, पता कीजिए, अब पता भी लग जाए इस बात की क्या गारंटी है। अरे हाँ, एक सब्जी वाला है जो मेरा मालिक मकान भी है, उसकी गारंटी चलेगी? सब्जी वाला? जी हाँ, यही बस बैंक के नीचे पास ही में उसकी दुकान है, वो ले आओ। दुकान? दुकान नहीं, सब्जी वाले को ले आओ गारंटी के लिए। हाँ चलेगी, मगर जब तक तुम वापस आओगे तब तक बैंक बंद हो गया होगा, कल ले आना। पटेल साहब कल संडे है। हाँ, तो मंडे ले आना। मंडे बैंक हॉलीडे है, और ट्यूजडे को 15 दिन के लिए मैं अपनी साली की शादी पे जा रहा हूँ सर। 15 दिन के लिए साली की शादी में? क्या गुरु, हनीमून पर भी साथ ही जा रहे हो क्या? साली के साथ हनीमून पे आप हंस रहे हैं क्या? नहीं भाई, वो साली के साथ हनीमून पे नहीं जा रहा हूँ मैं, मतलब ये मेरा पर्सनल मामला, आप समझ लीजिए मैं किसी काम से जा रहा हूँ। तो अकाउंट खुलवा के क्या करोगे? हाँ जी, पैसे जमा करके करूंगा। अरे पर जब काम से जा रहे हो इतने दिनों के लिए, तो पैसे जमा करके अकाउंट खोलने से फायदा क्या है भाई साहब? अच्छा वैसे ही जा रहा हूँ, चलो। अरे जब जहाँ भी जा रहे हो जल्दी चल जाओ डार्लिंग, अगर हम लोग चल गए ना तो दिक्कत हो जाएगी ना। बस मैं समझ लीजिए यूं गया और यूं आया बस। ओके बाप रे, कहाँ कहाँ से आ जाता। क्या उषा जी? ओ उषा जी, पिल्लू को टेबल याद हुए कि नहीं? क्या बताऊं पटेल साहब, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एक का याद किया तो दो का भूल जाता है, दो का याद किया तो एक का भूल जाता है। आप प्लीज हेल्प कीजिए ना। हाँ श्योर श्योर, कौन सा दो नंबर की लाइन? हाँ पिल्लू बेटा, पटेल मां।